हेलो गाइस एंड वेलकम टू ए टू आर मोटर राइड। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा शाइन BS6 इस बाइक का। तो गाइस इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको कोई भी बाइक खरीदनी हो होंडा ब्रांड की तो मैं इनका मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए और विजिट करके ले जाइए। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स की। तो ये 125 cc कैटेगरी की बाइक आती है। तो कम्यूटर मिलती है आपको, कम्यूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली भी बाइक कह सकते हैं आप। 125 cc कैटेगरी की मोस्ट सेलिंग बाइक है ये। होंडा ब्रांड की तरफ से आपको अच्छा खासा लुक देखने को मिलता है। और पहले ये क्रोम फिनिश नहीं आती थी, अब ये क्रोम फिनिश भी मिलती है हेडलाइट पर। और इसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगता है। होंडा की 3D में बैजिंग मिलती है आपको और किक भी मिलता है आपको इस बाइक में। साइलेंसर कवर देख सकते हैं आप, इस पर रैपिंग की गई है, नई बाइक है इसलिए ऐसा है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसका इंजन आता है 124 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वेल्व OHC इंजन। इसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलती है 10.5 PS एट 7500 RPM और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 11 न्यूटन मीटर का एट 6000 RPM। और आपको ये बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स पे मिलती है और इसके सारे गियर पीछे की तरफ आते हैं, आपको रियर में गियर मिलते हैं इस बाइक के। स्टार्टिंग ऑप्शंस में आपको किक भी मिलता है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी आता है। और ये वन टच स्टार्ट वाला सेल्फ स्टार्ट है, मतलब एक सेकंड में स्टार्ट हो जाती है बाइक, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टार्ट करने के लिए। तो शाइन की टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगी 90 किलोमीटर पर आवर की। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको 100 भी मिल जाएगी। और इसका जो माइलेज मिलता है आपको 60-65 KMPL का मिलता है। तो 125 cc कैटेगरी में आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो फुली एनालॉग मिलता है आपको, जिसमें फीचर्स आते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और इधर आता है आपको फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, टर्न सिग्नल्स की लाइट इधर आती है आपको, अपर डिपर लाइट यहाँ पे मिलती है आपको, पासिंग लाइट, और यहाँ पर इंजन चेक लाइट मिलती है। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो आपको ऐसा ही मिलेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं स्विच गियर क्वालिटी की। तो आपको अच्छी क्वालिटी की स्विच गियर मिलते हैं और राइट साइड पर आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच और इसी में मर्ज ही आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है और वन टच स्टार्ट वाला सेल्फ स्टार्ट आता है आपको। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग स्विच मिलता है और ये टर्न सिग्नल्स का स्विच मिलता है और ये हॉर्न का बटन आता है जो कि आप सुन सकते हैं, बहुत लाउड आता है इस बाइक में हॉर्न। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो आपको हेडलाइट मिलती है हैलोजन वाली और टेल लाइट भी हैलोजन वाली मिलती है, आप देख सकते हैं। और इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन बल्ब वाले ही मिलते हैं। अब राइड कंफर्ट की बात करूं तो आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर मिलता है, कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर रहता है, आप देख सकते हैं। सीट भी आपको बहुत सॉफ्ट मिलती है, पिलियन सीट भी अच्छी आती है, वाइड है सीट, कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर साड़ी गार्ड आता है, लेडीज़ को बिठाने के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से लेडीज़ को बिठा सकते हैं। और प्रॉपर ग्रैब रेल मिलते हैं, मतलब पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है इस बाइक में। और इस बाइक में लेग गार्ड कुछ ऐसा आता है, आप देख सकते हैं, लेग को भी प्रोटेक्शन देगा और ये इंजन को भी प्रोटेक्शन देता है। साइलेंसर गार्ड आप देख सकते हैं, क्रोम फिनिश में आता है, ये पैक्ड है फिर भी इसकी क्रोम फिनिश मिलती है आपको। साइलेंसर पर स्क्रैचेस कम पड़ेंगे और ये आपको गर्मी से भी बचाएगा। अब बात कर लेते हैं टायर साइज की। तो आपको फ्रंट में 80-100-18 इंच का फ्रंट टायर मिलता है विथ मैक व्हील। और रियर में भी 80-100-18 इंच का रियर टायर मिलता है। ब्रेक्स की बात करूं तो आपको इसमें डुअल ड्रम ब्रेक विद CBS भी मिलता है और एक सिंगल डिस्क वाला भी ऑप्शन आता है। जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो बाइक है डुअल ड्रम विद CBS। तो ये CBS ब्रेक है और फ्रंट ब्रेक का साइज़ मिलेगा आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक विद CBS। आप देख सकते हैं 2 वायर्स आ रही हैं। रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। सस्पेंशन की बात करूं तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलता है और रियर सस्पेंशन में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। 2 स्विंग आर्म आते हैं, डुअल सस्पेंशन होता है रियर साइड में। और इसका चेन कवर प्लास्टिक का मिलता है, फाइबर का मिलता है, लाइट वेट करने के लिए होता है बाइक का वेट। ये आप रियर मड गार्ड देख सकते हैं, ये आपको मड से प्रोटेक्ट करेगा। मानसून के मौसम में आप कहीं भी जा सकते हैं तो आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे इसकी वजह से। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। तो आपको सीट हाइट मिलती है 791 mm, 5'2" होगा या 5'4" होगा तो भी आप आराम से चला सकते हैं इस बाइक को। और जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 162 mm का मिलता है। और जो ओवरऑल वेट मिलता है इस बाइक का 114 किलोग्राम। तो 125 cc कैटेगरी में आपको लाइट वेट बाइक मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर, मतलब 10.5 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। माइलेज भी अच्छी है तो आप लॉन्ग रूट पर भी जा सकते हैं बाइक को लेकर। अब गाइज
इस बाइक पर मैं आपको बैठकर दिखाता हूँ कि राइडर को चलाते समय कैसा लुक मिलेगा। आप राइट पोजीशन वाली आती है बाइक, कम्यूटर बाइक है तो आपको कंफर्टेबल पोस्चर मिलेगा ही, बहुत कंफर्टेबल होती है, सीट भी बहुत वाइड है इसकी, और जो रियर व्यू मिरर मिलते हैं वो भी रियर के अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, रियर का पूरा लुक मिलता है आपको और अच्छी क्वालिटी के आते हैं और इसमें वाइब्रेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाइक बहुत स्मूथ है, जैसे कि शाइन पहले से ही थी स्मूथ बाइक। और यहाँ पर होंडा की बैजिंग और ये चाबी कुछ आपको ऐसी मिलेगी इस बाइक में। तो गाइस अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस बाइक की आवाज़, तो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना आपको बाइक की आवाज़ कैसी लगी। तो गाइस आपने सुन ली होंडा शाइन BS6 की आवाज़, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं होंडा शाइन BS6 के एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस की, जो कि आपको अंजलि होंडा में देखने को मिलेगी। अगर आप ड्रम वाला वेरिएंट लेना चाहें, एक शोरूम प्राइस इसकी होगी आपको 72,669 रुपये। अगर आप शाइन ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस देखें अंजलि होंडा में, आपको 90,862 रुपये में ऑन रोड मिलेगी ड्रम वेरिएंट। अगर आप डिस्क वाला वेरिएंट चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा और उसकी एक शोरूम प्राइस मिलेगी आपको 77,465 रुपये, और डिस्क वाले के ऑन रोड प्राइस मिलेगी आपको 96,219 रुपये। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन BS6 का ओवरऑल रिव्यू दे दिया। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।